नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। आरोन में पत्रकार संघ द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन स्थान रतन पब्लिक स्कूल सरस्वती कॉलोनी आरोन में किया जा रहा है। आज प्रथम दिवस श्री दास हनुमान मंदिर से एक भव्य कलश यात्रा निकाली गई है, जिसमें माता बहनों के साथ साथ नगर के गणमान्य लोग एवं कथा प्रेमियों की उपस्थिति शोभा यात्रा को भव्यता प्रदान कर रही थी। यात्रा बैंड बाजे के साथ से चलकर कथा स्थल रतन पब्लिक स्कूल पहुंची। मंत्रोच्चारण पूर्वक कथा प्रारंभ हुई। प्रथम दिवस पंडित श्री राम दयाल शास्त्री जी ने भागवत की महिमा वर्णन करते हुए कहा कि भागवत पोथी नहीं, भगवान का वांगम्य स्वरूप है। यह सुराणा मपी दुर्लभ, अर्थात देवताओं को भी दुर्लभ है। जब शुकदेव जी राजा परीक्षित को भागवत कथा सुनाने लगे, तभी देवता अमृत कलश लेकर पहुंचे और कहा कि यह अमृत राजा परीक्षित को पिला दे, इसके बदले भागवत हमें सुनाओ। तब शुकदेव जी ने देवताओं से कहा, तुम इसके अधिकारी नहीं हो, यह सत्संग प्रेमियों को मिलती है और देवताओं को भागवत नहीं सुनाई। यह भक्ति ज्ञान और वैराग्य की त्रिवेणी है। इसे सुनकर गायन वैराग्य के साथ भक्ति महारानी नृत्य करते हुए कथा पंडाल में प्रकट हुई। भागवत श्रवण पापों से मुक्ति दिलाता है, तभी तो दुधकारी जैसा महापापी भागवत कथा सुनकर प्रेत योनि से मुक्त हो गया। भागवत्यः प्रोक्त भगवंत, अर्थात भगवान ने अपने मुख से ब्रह्मा जी को चार श्लोकों में सुनाई थी। ब्रह्मा जी ने नारद को नारद से वेद व्यास जी सुनकर 18,000 श्लोकों में इसकी रचना की। मनुष्य जीवन का उद्देश्य भगवान की प्राप्ति होनी चाहिए। कथा 16 अप्रैल तक चलेगी। आयोजन समिति पत्रकार संघ ने समस्त धर्म प्रेमियों से कथा में आने का आग्रह किया। कथा में प्रथम दिन आरती करने का सौभाग्य भाजपा के वरिष्ठ नेता राधेश्याम धाकड़ फेकरा को मिला।